सरकार ने उन्हें मदद देना चाहिए, ऐसी उनकी मांग है। हमेशा उनको कभी भी सरकार की तरफ से मदद नहीं मिल रही। इसी तरीके से दो दिन पहले इन्होंने ONGC के लिए भी काफ़ी धरना दिया था, मोर्चा धरना मोर्चा काले झंडे दिखाए थे, लेकिन इस प्रशासन के कान पे जू तक नहीं रेंगी है। आप देख रहे हैं उत्तन खाड़ी बीच से मेरे साथ यानी शकील शेख के साथ सिटी न्यूज़ निसर्ग तूफान की चक्रवात तूफान की रिपोर्ट। काय वाटतं तुम्हाला मदत वगैरह सरकार कडून काय मिळणार आहे का मिळेल का आशा? आणि काल तुम्ही आंदोलन पण केलंय परवा दिवशी ONGC बाबतीत। या मच्छीमारामध्ये आम्हाला कधीही आम्हाला शासनाने आम्हाला मदत केलेली नाही ना मिळलेली पण नाही, ती खाली शेतकऱ्यांना देतात। हां, आमचं किती वादळापासून किंवा आपत्तीपासून संकटापासून त्यांचं आमचं हे झालं तरी आम्हाला मदत मिळतच नाही। आता वाटतं तुम्हाला अपेक्षा आहे का मिळेल आता काही नुकसान झालं तर? अपेक्षा करतो पण मिळतच नाही। अच्छा, मागणी काय आता तुमची? आम्हाला मिळालाच पाहिजे, आम्हाला मच्छीमारांना मदत मिळलीच पाहिजे। शेतकऱ्यांना देतात तसे आम्हाला पण मच्छीमारांना सापडली पाहिजे। देख रहे हैं सिटी न्यूज मुंबई और ये है उत्तन और बोरीवली का किनारा कहलाया जाता है नई खाड़ी। यहाँ पर निसर्ग चक्रवात तूफान की क्या स्थिति है इसका जायजा लेने के लिए मनपा के आयुक्त चंद्रकांत डांगे आए हुए हैं और ये सामने उन्हीं की गाड़ी चल रही, उन्हीं की कार चल रही है। वो इस एरिया का, इस जगह का वो मुआयना करने वाले हैं। आप इस वक्त मैं उत्तन के खाड़ी पर खड़ा हूँ और पीछे मेरे समंदर है और यहाँ की स्थानिक नगर सेविका शर्मिला बागा जी, आइए जानते हैं उनसे उत्तन के बारे में और यहाँ पे बचाव दल NDRF वगैरह सभी आ चुके हैं, आइए जानते हैं यहाँ की स्थिति क्या है। शर्मिला जी, आप यहाँ के स्थानिक नगर सेवक हैं, तो क्या कहेंगे आप? आज का जो निसर्ग नाम का साइक्लोन आज हमारे जो किनारे पर आने वाला है उसकी हम लोगों ने पूरी तैयारी करके रखी है। NDRF की टीम, RCP की टीम, पुलिस डिपार्टमेंट, महापालिका प्रशासन, ये टीम हम लोगों ने तैयार करके रखा है क्योंकि कुछ भी हो जाए तो हम लोगों का कुछ जीवित हानि ना होवे। लेकिन आज का अभी भी पोजीशन है कि जो हवा, तेज हवा आप देख रहे हैं वो हवा तो चल रही है लेकिन अभी तक टाइमिंग हम लोग फिक्स पता नहीं चल रहा है कि साइक्लोन का टाइमिंग क्या है, उसके हिसाब से हम लोग अलर्ट है। पूरी टीम हम लोगों की पूरी किनारे पे है, लोगों को निश्चित स्थल पे जाने की हम लोगों की तैयारी चालू है। यहाँ पे अभी भी देखा जा रहा है कि आपके पीछे कुछ बोट नाव अंदर समंदर में है और उसमें मछुआरे भी है। या आज का जो 31st का जो हम लोग का फिशिंग टाइमिंग था वो ख़त्म होने के बाद तुरंत ये साइक्लोन की वजह से ये कुछ बोट जो थे हम लोगों के जेटी पे थी, धक्के पे थी, वो अभी किनारे पे लेने की ज़रूरत है। तो आज के दिन में ये पूरा जो बोट है वो पूरे किनारे पे लेके जाएंगे, इसके लिए ये बोट अभी किनारे पे है। चलिए, थैंक यू। तो ये थे मेरे साथ में शिवसेना की नगर सेविका शर्मिला बागा जी। इन्होंने बताया कि यहाँ पे स्थानिक प्रशासन, नगर पालिका, NDRF, पुलिस प्रशासन वगैरह जो है मुस्तैदी से काम पे लगा हुआ है। आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये समंदर से लगा हुआ पूरा किनारा क्षेत्र है, यहाँ के लोगों को खाली किया जा रहा है। ये निसर्ग जो वादळ है ये फयांपेक्षा ही जास्त है, म्हणून आमच्या कोळी लोकांना सगळ्यांना काळजी घ्यायला सांगितले। तर तुम्ही काय काळजी घेतली आहे? आम्ही काळजी घेतले, सगळे ठकठक सगळे मच्छी वगैरे आणि घराचे जे पत्रे आहेत ते सगळे लावून घेतलेले आहेत। अच्छा, तर असं कधी बघितलं होतं वादळ तुम्ही? मी जेव्हा लहान होतो 91 ला असं म्हणजे आमचे वरिष्ठ सांगत होते की असंच वादळ एकदा 91 ला आलेलं गोराईला, आणि आमच्यासुद्धा बाजूवाल्यांची पत्रे उडून गेले हे मला माहीत आहे। माझं नाव विजय फर्नांडिस, उत्तन नवीखाडी। मावशी काय म्हणता, तुमचं आयुष्य गेलं पूर्ण समुद्रामध्ये? आयुष्य गेलं काय, आम्ही असं कधी बघलंच नाही। वादळ मोठं जाईल असं घबरा वाटतंय म्हणा की काय होणार आमच्या मुलाचं, काय नाही होणार, काय होणार नाही, काय होणार सोबत आहे। घर आता आमची जुनी झालेली फुटली म्हणजे की कोण दुरुस्ती करणार? हां हां, आता कोसाला म्हणा बघायला कोण नाही, मुलं एकली निघाली आणि आम्ही दोघं तिघं जाऊ। अच्छा, हे वादळ नाही तो होला बाजू जायचं ना। काय काय म्हणणं तुमचं, हे बोटी समोर आहेत काय बोटी तिकडे आहेत, काय म्हणणं तुमच्या बोटीच्या बाबतीत? उतल आहे, जमीन आहे ना ती उतल आहे, तिथे लाटा नाही मारत, इथे लाटा मारतील आणि रात्रीच्या बोटी निघून जातील। अच्छा, आणि या लोकांनी पहिलाच घेतला आहे। अच्छा, तर तुमचे बोटे आतमध्ये जातील समुद्रामध्ये रात्री पाण्यामध्ये? रात्री जर
उचलल्या या जर उचलल्या ना वर तर या परत आतमध्ये जातील ना रात्रीचं कोणी धराला. आता तुमचं म्हणणं काय? आमचं म्हणणं काय आता प्रशासन फिरते इतक्या इतक्या सिक्युरिटी गाड्या हे आहे ते आहे माणसं घरातून बाहेर न्या दुसरीकडे शिफ्ट करा. जो परिणाम ती बोट वर येईपर्यंत वर न येत तोपर्यंत एक पण घरातून पाय काढणार नाही हे देऊन देते तुम्हाला. सुविधा करा तुम्ही क्रेन मागवा तुम्ही मोठी लावायला सांगितलं आज तुम्ही शासनाने जर लावायला नसत्या सांगितलं तर आम्ही कशाला लावले असत्या. नमस्कार. इस वक्त मैं उत्तन के खाड़ी पर खड़ा हूँ और यहाँ पर DYSP भोसले यहाँ पर आए हैं और निसर्ग चक्रवात तूफान का जायज़ा ले रहे हैं. हम आइए जानते हैं उनके क्या कहना है, उनका अलर्ट के बारे में क्या कहना है और यहाँ पे साइक्लोन आया था या आने वाला है. भोसले सर बताइए क्या स्थिति है आज की? जिस तरह से कल से हमारा पूरा टीम पुलिस प्रशासन महसूल प्रशासन स्थानीय अपना मीरा भाईंदर महानगर पालिका प्रशासन हम तीनों ने मिलकर एक निसर्ग जो चक्रवात आने वाला था उसका आह्वान स्वीकारते हुए जो सरकार महाराष्ट्र शासन द्वारा जो सूचनाएं दी गई थी उसके तहत हमारा कार्रवाई कल से ही चालू हो गया था. उस हिसाब से कुछ जो शिफ्टिंग करने का था इवैक्यूएशन करने का था वो भी स्टार्ट कर दिया गया है. साथ ही साथ मछुआरे को भी अलर्ट कर दिया था कि कोई भी पहले जैसे मछुआरों जो इधर के अपने स्थानीय है उनके साथ जो काम करने वाले कुछ लेबर लोग रहते हैं खलासी खपनार जिनको बोलते हैं वह नौका में ही रहते हैं जनरली. लेकिन हमने उनको 2-3 दिन पहले से ही उनको अलर्ट कर दिया था. अभी वो उधर बोट में रुकना बंद कर दिए. साथ ही साथ हमारे सब मछुआरे वापस किनारे लग गए हैं. कोई भी अभी हमारा अंदर मासेमारी करने के लिए नहीं है. अभी जो प्रमुखता से है वो इवैक्यूएशन क्योंकि जो तेज़ी से हवाएं आप देख रहे हैं इसी तरह से हवाएं अभी थोड़ी सी और भी तेज़ी बढ़ सकती है उसको ध्यान में रखते हुए जो समुद्र किनारे के जो घर दिख रहे हैं आपको वो हम प्रशासन के निर्णय के अनुसार फर्स्ट दो लाइनें हमको 100% इवैक्यूएट करनी है. साथ ही साथ थर्ड लाइन में के जो है वह थोड़ा सा सुरक्षित अंदर वाली रूम में रुकेंगे ताकि उनको इस चक्रवात के कारण कुछ नुकसानी ना हुए जान माल या फिर किसी भी तरह का नुकसान मछुआरों का या फिर किसी भी नागरिक का ना हो इसलिए हमने उनको आह्वान किया है. उनके घर घर जाकर हमने जो स्थानीय पुलिस है NDRF टीम है SP सर ने हमारे अधिक फोर्स भी दिया है हेडक्वार्टर से उनका और स्थानीय महसूल प्रशासन का लोग ऐसे हमने मिलकर 5-6 टीम बना दी है जो अपने इधर जो पातान बंदर है भाटे बंदर है पाली और चौक जेट्टी है हर ऐसे एरिया में वो वहाँ के स्थानीय नागरिकों को जाल के मिल के उनको समझा रहे हैं कि किस तरह से इस जो चक्रवात से हमको मुकाबला करना है और उसके लिए कैसे ये इवैक्यूएशन जो 48 आवर्स के लिए अगले 48 घंटों के लिए करना जरूरी है उसका महत्व समझाकर वो इवैक्यूएशन प्राथमिकता से करवा रहे हैं. साथ ही साथ यह सब करते हुए हमको यह भी ध्यान में रखना जरूरी है कि कोरोना COVID-19 की जो एक महामारी फैली है उसके जो प्रिकॉशंस लेने हैं वह लेते हुए हमको इस चक्रवात से लड़ने का है. तो मैं आपके माध्यम से भी सभी नागरिकों को आह्वान करता हूँ कि आप प्रशासन की जो नियम सूचनाएँ दी जा रही है उसका पालन करें. धन्यवाद. जय हिंद. जय भारत. तो ये थे DYSP शशिकांत भोसले. इन्होंने बताया कि महामारी कोरोना के साथ साथ निसर्ग चक्रवात से भी लड़ना है लेकिन सोशल डिस्टेंस और सरकार के और गाइडलाइंस का पालन करते हुए हमें इन चीज़ों का मुकाबला करना है. आप देख रहे हैं मेरे साथ सिटी न्यूज़ की खास रिपोर्ट.